इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में एक 7 साल की बच्ची के अपहरण के मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरा की सहायता से महिला आरोपी ज्योति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले में समूह लोन की किश्त भरने को बताया जा रहा है। दरअसल रावजी बाजार से एक बच्ची लापता हो गई थी, जिसमें बच्ची के परिजनों ने थाने पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक टीम बनाई और सीसीटीवी फुटेज तलाशे, जिसमें समूह लोन से जुड़ी महिला को बच्ची को ले जाते हुए देखा गया। इसके बाद जब पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि बच्ची के हाथ पैर बांधकर उसे कमरे में बंद किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को छुड़ाकर परिवार के सुपुर्द कर दिया है। गौरतलब है कि ये पूरी साजिश समूह लोन की किश्तों को लेकर रची गई थी और 4 लाख की फिरौती मांगी गई थी, जिसमें किश्त न चुकाने पर बच्चों की मां और आरोपियों के बीच काफी दिनों से तनातनी चल रही थी। बहरहाल जूनी इंदौर पुलिस ने महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। मामले की जानकारी एसीपी देवेंद्र कुमार धुर्वे ने दी। कल रावजी बाजार थाना अंतर्गत एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें महल कचहरी के रहने वाले प्रदीप शर्मा के द्वारा थाने में आके बताया गया कि 4:30 बजे जो है उनकी बच्ची जो है घर के बाहर खेल रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ के द्वारा जब देखा गया तो घर के बाहर वो नहीं मिली, तो काफ़ी देर यहाँ वहाँ पूछने पे पूछताछ देखा या वहाँ देखा तो नहीं मिली, तो उसके बाद थाने में आकर उन्होंने रिपोर्ट कराई। जैसे ही थाने के संज्ञान में आया, वरिष्ठ अधिकारियों को इस गंभीर मामले के संदर्भ में जो है अवगत करा के और थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीमें गठित की गई, जिसमें टेक्निकल और मैनुअल दोनों ही एक्सपर्ट को जो है हमने ध्यान में रखा, जिसमें लगभग क्षेत्र के 100 से ज़्यादा लोगों से हमने बातचीत करी, पूछताछ की। उसके अलावा 2 दर्जन से अधिक जो है सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया। जो कैमरे में जो दिखने वाली जो महिला थी, जिसकी पहचान ज्योति कोडरिया निवासी नॉर्थतोड़ा के रूप में हुई, और जब मुखबिरों के जानकारी के आधार पर जब उसको पकड़ा गया तो पहले तो महिला के द्वारा जो है आनाकानी की गई बताने में, जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जो है बच्ची को अपने साथ फोटोकॉपी करने के बहाने ले जाकर अपने घर के बाथरूम में छुपाना बताया, और उसके जब मोटिव के बारे में पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो महिला द्वारा जो है बताया गया कि वो जो लोन चलाने वाला जो ग्रुप रहता है उससे जुड़ी हुई थी, और बच्ची की माँ इसको लेके उसको फ़ोन लगाती थी, जिसमें दो जो समूह हैं, एक का नाम जनलक्ष्मी फाइनेंस जहाँ से 45,000 रुपये और दूसरा वेलस्टार फाइनेंस जहाँ से 40,000 रुपये ज्योति को बकाया थे। तो जब इस बात को लेके वो जब फ़ोन आते थे तो उसकी जो खींच थी वो जो है इस रूप में देखी गई, और उसके बाद उसने बताया कि उसके बच्ची को अपहरण करके उससे 4 लाख रुपये उनके घर वालों से वसूल के अपना लोन चुकाती, और अपना जो है इस प्रकार का उसका उद्देश्य जो है सामने आया था। इस पूरे घटनाक्रम में जो है 2 घंटे में पूरी घटना को हमारी टीम के द्वारा ट्रेस कर लिया गया, इसमें पूरे थाना प्रभारी के साथ CI सेल और जो स्टाफ है उसका जो है महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही थी।